स्वागत बंधन। आज हम नवम कक्षाया और दशम कक्षाया कक्षा नौवीं और दसवीं की जो व्याकरण विधि है उसके अंतर्गत व्याकरण के पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप साफ देख रहे हैं यहाँ ये अष्टम अध्याय प्रत्यय, ठीक है। ध्यान से समझिए, किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जो हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था किसी भी धातु या शब्द के पहले, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात यानी बाद में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और ये प्रत्यय तीन प्रत्ययों से भी भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्भिन्न प्रत्यय कहते हैं। किसमें? संज्ञा शब्दों में। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त तो होने वाले प्रत्ययों को कौन सा कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ हो गया तद्भिन्न प्रत्यय, यहाँ हो गया स्त्रीलिंग, यानी जो प्रयुक्त होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय तो किसी भी धातु में पद जोड़े जाते हैं बाद में। अब आते हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय, ठीक है। सबसे पहला है जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा विशेषण अवयव आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अवयव बनाने के लिए धातुओं में त्वार या तुम उन प्रत्ययों का योग किया जाता है। धातु से विशेषण बनाने में शुद्ध शानच तव्यत अनियत यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए तवत्तु एवं करना चाहिए में इस अर्थ में क्रिया के वाचक तव्यत अनियत और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने के लिए तृच तिन गुण युट और आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है त्वा प्रत्यय। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे मयूरा मेघा दृष्टवा नृत्यति, यहाँ जो दृष्टवा में कौन सी दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय का योग किया गया है और यहाँ क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण द्वितीय क्रोधन त्वा कृत्वा यानी करके यानी कार्य कृत्वा ब्रह्म वच गम त्वा गत्वा जाकर आपन गत्वा परम आना, ठीक है। नम त्वा नत्वा नमन करके सरस्वती देवी नत्वा पाठम पढ़ त्वा त्वा पीत्वा पीकर दुग्धम पीत्वा शयनम हो। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण दिए हैं, परीक्षाओं में उदाहरण पूछे जाते हैं। चलिए अब आता है यह प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में यह प्रत्यय का ही प्रयोग होता है जहां पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है तो वहां त्वा के स्थान पर क्या जाता है? यह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यंत शब्द भी अवयव के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में ही परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण समझिए, प्राधनंदम या प्रणम प्रणय प्रणाम करके गुरु प्रणम सा पढ़ती। दूसरा है गीधन ज्ञाधन या विज्ञाय विज्ञान जानकर वार्ता विज्ञा कम आगच्छ, ठीक है। फिर इसके बाद में आधन गम धम या आगत आकर यानी ग्राहक आगत सह पाटलिपुत्रम गतवान। फिर है आधन आदाय यानी लाकर किम आदाय सह समान याता। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं और ये उदाहरण जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं। अब इसके बाद आता है तुम निमित्तार्थ के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए शर्त में धातु के साथ तुम प्रत्यय लगता है। जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है और एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थ क्रिया पद में तुमन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेश पठतुं विद्यालयं गच्छति। अब इस बात में देखिए पढ़ना और जाना दोनों ना सुरेश यानी पठतुं और गच्छति वाक्य में पढ़ना जाना दोनों क्रिया पद जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है जिसके लिए सुरेश क्या कर रहा है मतलब जो है विद्यालय जाता है। अतः पठतुं में कौन सा प्रत्यय? तुमन प्रत्यय। समय वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमन प्रत्यय होता है, ठीक। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं। आप जैसे दिया है स्नातुं ज्ञाने के तुमन प्रत्यय
ज्ञान का शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप भी नहीं बदलता। जैसे उदाहरण गम धन तुम, तो क्या बन गया गन तुम, यानी किसके लिए है ये जाने के लिए, सा गम गन तुम उद्रता हस्ते, हन धन तुम, हन तुम यानी उनका मारने के लिए, तो ब्रगम हन तुम से समुद्रता हस्ते, इस प्रकार से। अब आता है शक, शक्मा, इश यानी चाहना, इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुम प्रत्यय का, किस प्रत्यय का, तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इन वाक्यों में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो दो क्रिया है, ठीक है। अतः पढ़ना क्रिया में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा, तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अहम पढ़ तुम शक्नोमि, ठीक है, और फिर है दूसरा कि अहम पठ तुम इच्छामि, तो किस उसका प्रयोग हुआ, तुम प्रत्यय का प्रयोग उसमें, मतलब कि जो पढ़ने वाली जो क्रिया है उसमें क्या होता है, तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। चलिए अब यहाँ पर आता है प्रश्न, ये ध्यान से समझिए, प्रत्यय संयुज वियुज्य च लिखा, आपको जो शब्द दिए हैं उनका विभाजन करना है, और जो शब्द विभाजित हैं उनको आपको क्या करना है, जोड़ करके लिखना है, ठीक है ना, तो उनका संयुज करना है और कुछ शब्दों का वियुज करना है, विभाग करना। पहला जैसे दिया दृढ़धन, इसका यदि हम संयोग करेंगे तो क्या आएगा, दृष्टवा, प्रणम्य, प्रणम्य का क्या आ जाएगा, प्रधन, नम धन, यह प्रत्यय, ठीक है। फिर है उपविश्य, अलग अलग दिए, विभाग करके दिया है, भज है तो आधन निधन, ठीक है, इसका क्या क्या शब्द बनेंगे, किसका संयोग करेंगे तो आनी, इस प्रकार से। चलिए अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठके प्रदत्त धातुषु त्वा या तुमुन प्रत्यय योगिन निष्पन्न पदैः रिक्त स्थानी पूर्य, यानी ये जो प्रत्यय दिए हैं उनके प्रयोग से आपको ये जो रिक्त स्थान है इनको करना है। जैसे एक उदाहरण दिया है, सह पुस्तकम आधार, अब यहाँ पर देखिए आधन दाधन कौन सा प्रत्यय लगा, यह ये यहाँ पर आया गच्छति, सा पुस्तकम आदाय गच्छति, तो आदाय में जो स्कूल पद दिए इसमें दिए ना, तो उसमें जो प्रदत्त धातु सु तो आधन दाधन या प्रत्यय का प्रयोग है। अब इसी प्रकार सा पुस्तकम दत्वा, तो यहाँ पर जो दिया है दाधन त्वा, ठीक है ना, सा पुस्तकम दत्वा ईदति, अब यहाँ पर अब जो खाली स्थान दिए हुए हैं इसको अपन को पूरा करना है। जैसे राम कंदुकम खाली स्थान, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधन निधन या प्रत्यय, तो यहाँ पर देख कर दिया आनी आ जाएगा। श्याम कंदुकम, तो यहाँ रिक्त स्थान है, निधन त्वा गच्छति, निधन त्वा फिर आया गच्छति, तो अब यहाँ पर जो आएगा तो वहां पर क्या जाएगा, निधन त्वा यानी मृत्वा। ये जो उदाहरण है ये पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान आते हैं कि आपको उसमें कौन सा उसमें प्रत्यय होगा। आप राम कंदुकम, ठीक है, यहाँ दिया ग्रहधन तुमुन श्याम अधुना आवती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रहधन तुमुन यानी गई तुम। फिर है श्याम विधन हसधन या कंदुकम ददामि, तो यहाँ पर क्या है, विधन हसधन या यानी विहस। फिर यहाँ पर है राम कंदुकम प्राधन आपधन या यानी पुनः प्रसन्न भवति, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्राप्त, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना। अब यहाँ पर है उदाहरण मनुष्य स्थूल प्रदेश धातु धातु स्थूल प्रदेश धातु प्रत्ययान च विभुज्य वियुज्य लिखा है ना, तो बालिका गुरु नत्वा गच्छति, तो यहाँ पर देखिए क्या है, त्वा नघन त्वा, ये शब्द आया नत्वा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर दिया है स अत्र आगत्य पठति, तो स्थूल पद है भी देख रहे हैं ना आपको, गत्वा विहस्य क्रेतुम पठतुम दृष्टुम, ये सारे शब्दों को आपको क्या करना, वियुज्य करके लिखना है अलग अलग। तो सबसे पहले दिया है आगत्य, तो आगत्य का क्या आएगा, देखिए आप उत्तर में आ हम बताया था आ धन गम धन, तो त्वम को
दिया है पदेशु तो ब्रह्मन तो आप ठीक। फिर इसके बाद है बालका बेहस वदती तो बीधन हसदन या प्रत्यय तो क्या बना बेहस। ये जो दिए हैं आपको वियुज करके अलग अलग त्वम पुस्तकम क्रेतुम गच्छसि तो क्या है बीधन तुम। फिर है छात्र पठितुम विद्यालयं गच्छति तो क्या आएगा पठितुम का अभी पढ़ा था आगे पढ़धन तुम। नायकं निर्देशकं दृष्टुं गच्छति तो दृष्टधन तुम। इस प्रकार से ये पूरे आपको भरना है कंप्लीट करना। चलिए अब आता है यहाँ पर अक्षर सानज प्रत्यय। एक कार्य को करते हुए जरूर साथ ही साथ अन्य कार्य का भी किया जा रहा हो, अन्य कार्य भी यदि किया जा रहा है या करता हुआ या करती हुई या चलता हुआ या चलती हुई पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में सत् प्रत्यय तथा आत्मैपदी धातुओं में सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो परस्मैपदी धातु होती है उसमें सत् प्रत्यय का और जो आत्मैपदी धातु होती है उसमें सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और रा का लोप होकर धातु में अत जुड़ता क्या बोला शा और रू का लोप होकर धातु में अत प्रत्यय जुड़ता तथा शानज के शा का और चा का लोप होकर आन के पहले मां का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ेगा मां क्या बोला कि ये यहाँ पर शा और चा का लोप होकर आन के पहले मां का आगम हो जाता है। अब शानज प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप का प्रयुक्त होते हैं अतः इनके रूप तीनों बिंदुओं में चलते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर जैसे दिया पठधन श्रुत यहाँ पर क्या आएगा अध ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आया पठन पठंती और पठत पुरलिंग में जब हुआ पठन स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। इसी प्रकार लेखधन श्रुत तो लिखन लिखंती और लिखन इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। अब यहाँ देखिए शानज आन और मान इसका शेष का उदाहरण। तो अब यहाँ पर जैसे दिया है यजधन शानज यानी यजमान यजन करता हुआ तो यहाँ पर जो रूप बना जैसे ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दिया तो यजमान यजमाना और यजमाना ठीक। लव धन शानज तो लवमान यानी लाभ प्राप्त लवमान प्राप्त करता हुआ तो लवमानम ठीक। सहधन शानज तो सहमान तो सहन करता हुआ तो सहमानम सहमाना और सहमानम। जल धन शानज जायमान यानी पैदा होता हुआ जायमानम जायमाना और जायमान ठीक। फिर आता शानक तो शयान यानी सोता हुआ शयाना शयाना शयानम। वर्धन शानक वर्धमान यानी बढ़ता हुआ वर्धमान वर्धमान और वर्धमान इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। आप यहाँ देखिए प्रतिमान संयुज यदा यथा निर्दिष्ट लिखा यानी जैसा निर्देश आपको यहाँ दिया उस हिसाब से इसको क्या करना है ये जो वियुज है तो इनको संयुज करना है। तो सबसे पहला है पठधन पुरलिंग में तो क्या आ जाएगा यहाँ देखिए उत्तर पठन लिखधन स्त्रीलिंग में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लिखंती भी पढ़ेंगे शेवधन शेवधन शानच स्त्रीलिंग में तो क्या आ जाएगा शेवधन शानच का सेवा सेवमान ठीक है। फिर सहधन शानच तो सहमानम फिर वृद्धन शानक पुल्लिंग में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वर्तमान और हसधन श्रुत या स्त्रीलिंग में तो यहाँ पर क्या जाएगा हसंती। इस प्रकार से ये यहाँ पर आएगा। आप ये थे यहाँ पर दिया है यथा निर्दिष्ट परिवर्तन कृत्वा वाक्याग्रे पुनः लिखत यहाँ पर जैसे लिखनन बालिका पठती स्त्रीलिंग लिखंती बालिका पठती ठीक है। अब यहाँ जैसे दिया है किरण बालिका पतती इसको स्त्रीलिंग में तो यहाँ पर देखिए उत्तर यहाँ दिया है तो किरणती बालिका पतती। फिर है उप इस प्रकार से ये उपविषय छात्र हो सकती स्त्रीलिंग में उपविष
शांति छात्रा से, ठीक है। फिर इसके बाद है धावंती बालिका कृदंति पुल्लिंग में, तो धावन धावंती बालिका कृदंति, अब इसको हमको किसने करना है, पुल्लिंग में, तो क्या आ जाएगा, धावन बालिका कृदंति। फिर इसका आएगा सहचलन थावती, स्त्रीलिंग में बना, तो सहचलंती थावती। अब अहम नृत्यं न गायामि, स्त्रीलिंग में अहम नृत्यंती न गायामि। कम याचमान न शोभ से, पुल्लिंग में करना, तो क्या आएगा, कम याचमान न शोभ से। ते गच्छन्ति वार्ता कुर्वन्ति, अब इसको स्त्रीलिंग में करना, तो ता गच्छन्ति वार्तां कुर्वन्ति। ते धावन यत्तौ भ्रमतः भ्रामतः, तो क्या आएगा, इसको पुल्लिंग बना देता हूँ, भ्रमन्त भ्रमतः। इस प्रकार से आपको इसको करना है। यहाँ पर मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाया कि प्रत्यय शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़ के बनते हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, उनके उदाहरण जो प्रश्न दिए हैं उनको उत्तर समझाए। आप इसको कॉपी रजिस्टर में लिखिए और परीक्षा के लिए तैयार करिए। धन्यवाद।